सपा का दामन थामने वाले विनय शंकर तिवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तिवारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ जाति विशेष देखकर एनकाउंटर करा रही है। एनकाउंटर कोई पॉलिसी नहीं होती। विकास के नाम पर सरकार ने सिर्फ धोखा दिया है। तमाम ऐसे उद्योग धंधों को बंद कराया गया है। उनसे हमारे संवाददाता राम अनुज ने खास बातचीत की है। इस समय हमारे साथ मौजूद है विनय शंकर तिवारी जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विनय जी, आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज की अगर बात की जाती, आपने कई आरोप लगाए। आरोप क्या है, आरोप आखिर क्या है, आरोप क्या है? हत्या का जिस तरीके से जो सरकार के अंदर इनकाउंटर किए जा रहे हैं सिर्फ एक विशेष वर्ग के, आप ये बता दो क्या इनकाउंटर कोई पॉलिसी होती है? क्या किसी भी सरकार की पॉलिसी इनकाउंटर होती है? क्या बुलडोजर कोई पॉलिसी होती है? क्या आज सरकार ने किसी घटना या दुर्घटना को एक तरह से अपनी पॉलिसी बना दिया है और आज वो पॉलिसी सरकार दावे के साथ कर रही कि हम इनकाउंटर कर देंगे? इनकाउंटर किसी सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती है। ये अपने आप में एक गलत मिथक है और हम न्यायपालिका को ठुकराने का काम कर रहे हैं। और इस देश में जो न्यायपालिका को ठुकरा दे, संविधान को ठुकरा दे, ये कैसे संभव है कि हम संविधान को ठुकरा दें और न्यायपालिका को ठुकरा दें? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.